खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जैसलमेर से ये बड़ी खबर, जैसलमेर पुलिस की बड़ी कामयाबी। फलौदी जेल से फरार 16 कैदियों का मामला, स्पेशल टीम ने फरार मुख्य कैदी को पकड़ लिया है। 302 के आरोप में फलौदी जेल में कैद था ये आरोपी शौकत खां को पुलिस ने दबोचा है, जो मुख्य आरोपी है। मोहनगढ़ इलाके में फरार कैदी छुपा हुआ था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, जब ये कैदी भागे थे। और उस वक्त सवाल भी उठे थे कि आखिर ये कैदी कैसे भाग गए, लापरवाही किसकी सामने आई। इनको एक गाड़ी ने लेने भी आई थी, पहले से ये खड़ी हुई थी, इस गाड़ी में बैठ के ये लोग भागे थे। लेकिन अब जो मुख्य कैदी है, मुख्य आरोपी जो है, उसको पकड़ लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। 2 घंटे तक इलाके में सघन तलाशी के बाद ये कामयाबी मिली। कुछ दिन पूर्व जैसलमेर पुलिस के सहयोग से एक कैदी को पकड़ा था। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं शौकत की, जिसे अब पुलिस ने दबोच लिया है। शौकत खां मुख्य कैदी जो था, जिसकी ये सारी प्लानिंग थी मुख्य तौर पे, उसको अब पुलिस ने दबोच लिया है। जैसलमेर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। बहुत देर तक सघन तलाशी ली गई, जिसके बाद ये कामयाबी मिली है। 302 के आरोप में फलौदी जेल में ये कैदी आरोपी जो है वो कैद था, और शौकत खां को अब पुलिस ने दबोच लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मोहनगढ़ इलाके में ये फरार कैदी छुपा हुआ था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई, और 2 घंटे तक इलाके में सघन तलाशी के बाद कामयाबी मिली है। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व जैसलमेर पुलिस के सहयोग से एक कैदी को पकड़ा गया था। तो एक एक करके कैदी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये वो कैदी है जो मुख्य आरोपी था, मुख्य कैदी था, और अब इसको पकड़ लिया है जैसलमेर पुलिस ने। तो ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है जैसलमेर पुलिस की, क्योंकि बहुत देर तक सघन तलाशी की गई, बहुत देर तक ढूंढा भी गया, और उसके बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली है। 2 घंटे तक इलाके में सघन तलाशी की गई थी। आपको ये भी बता दें कि पूर्व जैसलमेर पुलिस जो है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक कैदी को भी पकड़ा था। तो कुछ दिन पहले का ये मामला, जब 16 कैदी फरार हो गए थे, और उस वक्त हड़कंप मच गया था कि आखिर ये कैदी फरार कैसे हुए, जेल से ये कैदी निकले कैसे, भागे कैसे। सीसीटीवी फुटेज भी उस वक्त सामने आया था कैदियों के भागने का, साथ ही साथ एक गाड़ी भी मिली थी जिसमें ये लोग बैठ के भागे थे। लेकिन उसके बाद से ही तलाश लगातार जारी थी, कुछ सवाल भी उठे थे, तलाश भी की गई, और उसके बाद जैसलमेर पुलिस के सहयोग से कैदी को पहले पकड़ा गया था, और अब मुख्य कैदी जो है उसको पकड़ लिया गया है। शौकत खां इसका नाम है, और अब इसको 2 घंटे की सघन तलाशी के बाद जैसलमेर पुलिस ने पकड़ लिया है। और हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं फलौदी से। राजेश, तो ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस की, जब जो मुख्य कैदी है उसको पकड़ लिया है। बहुत दिन से सघन तलाश की जा रही थी, क्या कुछ रहा, कैसे पकड़ा गया? कि फलौदी में 16 जो कैदी फरार हुए थे, उसमें सबसे हार्डकोर अपराधी 302 का ये अपराधी था शौकत अली। ये फलौदी के बाप तहसील का देदाश्री गाँव का रहने वाला है, और ये सबसे हार्डकोर अपराधी था जिसको फलौदी पुलिस ने जैसलमेर के रामगढ़ बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है। जी, और राजेश, अब पुलिस इसे फलौदी लेके आएगी या किस तरह पूछताछ भी होगी, क्या कुछ रहेगा? इसको आज दोपहर तक में फलौदी पुलिस थाने लेके आएगी, और इसे संगन पूछताछ की जाएगी, और अन्य जो फरार कैदी हुई है, फरार कैदी जो बाप के इलाके से जो फरार कैदी हुए थे, उनके बारे में इनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। और राजेश, ये तो बात साफ हो जाती है कि अगर ये आरोपी पकड़ा गया है, तो इससे जल्दी से जल्दी और लिंक भी जुड़ते जाएंगे, और जो 16 कैदी में से अब बचे हुए कैदी हैं, वो भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, बचे हुए कैदी हैं, उनकी भी सघन तलाशी दबी से दी जा रही है फलौदी पुलिस की, और इस कैदी के पकड़े जाने से करीब करीब बाप के और फलौदी के जितने भी कैदी हैं, जो जहां पर भी छिपे हुए हैं, उनको भी जल्द फलौदी पुलिस पकड़ देगी। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। तो राजीव, एक बड़ी सफलता है पुलिस की, जैसलमेर पुलिस की, कि बहुत देर तक तलाशी की गई, और बहुत दिन पहले जब ये लोग भागे थे, तो सवाल बहुत सारे थे कि कैसे पकड़ेंगे, और इतने सारे कैसे लोग भागे हैं, कैदी कैसे भागे हैं, और अब जब ये पकड़े गए हैं और मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, तो एक बड़ी सफलता। अच्छा,
देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर जेल से भागने की यह तीसरी बड़ी घटना थी। ऐसे में 16 कैदियों का भागना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आईजी नवज्योति गोगोई, एसपी अनिल कुमार के निर्देशन की टीम लगातार कोशिश कर रही थी। आज जिस तरीके से 2 बंदी पकड़ में आए हैं तो अब 13 बंदी दूर नहीं है। पहले मोहन पकड़ा जा चुका है, आज शौकत को पकड़ा है और शौकत के साथ में राजकुमार को दूसरे ऑपरेशन पकड़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह पाकिस्तान भागने की फिराक में था। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्पेशल टीम ने जिस तरीके से उनको पहले दस्तियाब किया, पुष्टि की, गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात है कि अनिल कुमार जो एसपी हैं वो लगातार इसको लेकर के फीडबैक ले रहे थे। स्पेशल टीम ने जिसको पकड़ा है और अब कहीं ना कहीं उन सभी के जो कॉल डिटेल्स हैं उनके आधार पर 13 बंदी भी जल्द से पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन कहा जा सकता कि जो डीजी राजीव दास होते हैं वो अलग क्वेश्चन, डीजी एमएल लैटर क्वेश्चन, सबका अपना एक नेटवर्क काम करते, कहीं किसी प्रकार से भी कोई लोकपुर नहीं जाए। लेकिन अब 13 बंदी कब पकड़ में आएंगे ये एक सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इनके लिंक जब जुड़ेंगे तो 13 बंदी भी पकड़ में आ जाएंगे। जी जी, और राजीव इस बारे में कोई जानकारी कि किस तरह से इसको पकड़ा गया, क्योंकि पहले एक कैदी को पकड़ा जा चुका है, तो क्या उससे ये लिंक जुड़े, किस तरह से ये तार जुड़े और किस तरह से इसको पकड़ा गया, इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए जैसे ये 16 बंदी फरार हुए थे उसके बाद कोई भी बंदी जाएगा, कहाँ जाएगा, अपने घर जाएगा, परिवार में जाएगा, पत्नी से कांटेक्ट करेगा, रिश्तों में कांटेक्ट करेगा, तो पुलिस की पूरी टीमें लगी हुई थी। क्योंकि बाप फलौदी शेरगढ़ इस इलाके के सारे लोग थे, तो जो एसपी अनिल कुमार ने अपनी पूरी टीम को मुस्तैद कर रखा था। सूत्रों से जैसे उनको पता लगा और पता लगने के साथ ही वो पाकिस्तान भाग सकता था। हालांकि चूंकि शौकत अली है, अवैध रास्ते से भी जाने की जो फिराक पे था, पकड़ा गया, और हो सकता है कि पाकिस्तान से क्या कनेक्शन रहा है, किस एजेंसी से कनेक्शन रहा है, उसका भी एक खुलासा हो गया। एक नई जो कड़ी है वो भी जुड़ती नजर आ रही है। लेकिन राजकुमार को भी एक ऑपरेशन में पकड़ा गया है, पहले मोहन पकड़ा जा चुका है, यानी 16 में से 13 बंदी जो हैं वो बाकी हैं, 3 पकड़े जा चुके हैं। जी जी, और अब क्योंकि राजीव इसको पकड़ा जा चुका है, हमारे सहयोगी राजेश जो से उनका कहना था कि अब इसको फलौदी लाया जाएगा, फलौदी पुलिस लेकर आएगी, तो ऐसे में क्या ये कार्रवाई चल रही है और पूछताछ क्या फलौदी में ही की जाएगी या अब और लिंक जोड़े जाएंगे? देखिए निश्चित रूप से किसी भी मामले में जहां का मामला होता है वहां लेके आएंगे, अदालत में पेश करेंगे, मेडिकल होगा, कहीं कोरोना तो नहीं है, सब चेक करने के बाद रिमांड होगा। रिमांड न्यायालय द्वारा कितने दिन का रिमांड दिया जाता है, पूछताछ की जाती है। रिमांड में हो सकता है कि राज खुलते जाएंगे और बाकी जो 13 आरोपी हैं उन तक जो पुलिस है वो पहुंच जाएगी, तो 13 जो बंदी है उनको भी गिरफ्तारी हो सकेगी। जी जी, और क्योंकि जैसलमेर में इसे पकड़ा गया है राजीव, तो ऐसे में वहां पर किस तरह से इसको जोड़ा गया, किस तरह से 2 घंटे क्योंकि इसे लग गए थे, बहुत तलाशी भी की गई थी, तो क्या इसके बारे में कोई जानकारी है कि किस तरह से इसको पकड़ा गया है? देखिए एक ऐसा टास्क होता है जब किसी ऐसे व्यक्ति को जो जेल तोड़कर जेल से भागा है, आंखों में मिर्ची की जो बात है, कई तरह की बातें, पुलिस को मशक्कत तो बहुत करनी पड़ी, मिनट टू मिनट उससे बात करके उसकी लोकेशन तलाशनी पड़ी। 2 घंटे का जो ऑपरेशन चला है, इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी ये कही जा सकती है कि पुलिस के हाथ जब शौकत लग गया है, अब उसकी कॉल डिटेल CDR जिसको कहते हैं उसके आधार पर हो सकता है कि पुलिस ने अपना काम शुरू कर भी दिया है। आने वाले 24 घंटों के अंदर जो शेष बंदी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जो पुलिस टीम, जो स्पेशल टीम बनाई गई है, उसके अंदर सभी अनुभवी और धुरंधर अधिकारी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। पहले मोहन पकड़ा, फिर अब शौकत अली, राजकुमार पकड़ा गया। उम्मीद करते हैं कि बाकी जो 13 बंदी हैं वो पुलिस से आखिर भागकर कहां जाएंगे। जी जी, और राजीव आप जिन 2 कैदियों की और बात कर रहे हैं, क्या उसी टीम ने, पुलिस की इसी टीम ने इन 2 कैदियों को पकड़ा है, और इस टीम में कितने लोग हैं, किस तरह से इन्होंने कार्य किया है? देखिए जिस तरीके से ग्रामीण SP अनिल कुमार खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जब से कैदी भागे हैं पुलिस की रात की नींद उठ चुकी थी, तो लिहाजा एक सुरेश चौधरी जो एक पहले फलौदी SHO थे उनकी भी बात सामने आ रही है। जो SP के भरोसे के जो अधिकारी हैं जो ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जो एक अपना जो स्टाइल ऑफ द पुलिसिंग कहते हैं उसको दिखा सकते हैं, तो लिहाज से पूरा ऑपरेशन चला है। हेड कॉन्स्टेबल्स भी हैं, 8 कॉन्स्टेबल्स भी हैं, तो कुल मिलाकर के ये कोशिश की उसी के चलते ये है सारी बात सामने आई है। जी जी, और राजीव देखिए क्योंकि जब CCTV फुटेज सामने आया था तो उसमें दिखा था कि ये लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और भागते हैं, यानी गाड़ी जो थी वो पहले से ही वहां पे प्लान कर दी गई थी, पहले से ही पता था कि ये लोग आएंगे और गाड़ी में बैठ के भागेंगे, तो क्या उसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी लग पाई है?
देखिए मेघा, आमतौर पे क्या होता है, फिल्मों में हम देखते हैं कि बंदियों को कैसे भगाया जाता है। ये बिल्कुल फिल्मी कहानी थी, किसी प्रकार की कोई मिर्ची नहीं डाली गई, किसी प्रकार की सब्जी नहीं डाली गई, कोई वर्दी नहीं फाड़ी गई। तो कहीं ना कहीं मिलीभगत की बात सामने आई थी। बाहर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी, उसके स्कॉर्पियो के अंदर बैठ करके जिस तरीके से गया, ये पूरा प्लान था। कुछ मिलीभगत की बात आ रही है, चार पांच जेल कर्मियों पर गाज गिर चुकी है, कुछ और पर अब, चूंकि अभी जब शौकत अपने राजपाश करेगा, राज खोलेगा, तो कुछ और पे जो जेल कर्मी हैं उन पर भी गाज गिरने की पूरी संभावना है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि पुलिस के हाथ कहते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आखिर अपराधी भागकर कहां तक जाएंगे। जी जी और राजीव, क्योंकि अभी 13 कैदी और फरार हैं और पुलिस के सामने ये टास्क है कि इनको भी पकड़ना है, क्योंकि जो मुख्य कैदी है उसको पकड़ा गया है, तो ये बड़ी सफलता भी कही जा सकती है। लेकिन अब इसको लेकर, क्योंकि 13 कैदी फरार हैं, तो उनको लेकर कौन कौन से क्षेत्र में पुलिस फैली हुई है, कहाँ कहाँ पर सघन तलाशियां चल रही हैं? देखिए, फलौदी का क्षेत्र है, बाप का क्षेत्र है, लोहावट का क्षेत्र है, उस पूरे इलाके के अंदर सादे वस्त्रों में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अलग टीम काम कर रही है कि जैसे ही बंदी अपने घर में किसी से आएगा, लगभग सभी कैदियों के परिवारजनों का डिटेल लेकर के सबके फोन सर्विलांस पर है, कौन कितनी बात करता, उसकी लोकेशन उसे उससे तलाशी जाती है और पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। भनक लग जाती तो आगे निकल जाते, लेकिन कहते हैं कि कानून पहुंच ही जाएगा, आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होंगे वापस से बंदी। जी जी और क्योंकि राजीव, हम शुरू से ही ये बात करते रहे और सामने भी आए कि ऐसे ही कैदी नहीं भागे हैं, पहले से प्लानिंग की गई है, लापरवाही नजर आई जेल प्रशासन की भी, तो क्या वहां से कोई अपडेट है, वहां से कुछ सामने आया है? देखिए, निश्चित रूप से 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, 2 और हैं उनको सस्पेंड करने की तैयारी इंटरनल चल रही है, लेकिन अब जब शौकत अपने बयान देंगे उस बयान में काफ़ी कुछ बात आ सकती है, क्योंकि उनका CDR जब क्वालिटी थी, उसमें जेल कर्मियों के किसके फ़ोन आए हैं, वो फ़ोन कहाँ से लाया, वो सिम कहाँ से लाया, जेल के अंदर से फ़ोन कैसे ऑपरेट कर रहा था। कुछ दिनों पहले जब फलौदी जेल के अंदर छापा मारा जाता है, मोबाइल बरामद किया जाता है, तो शौकत का मोबाइल बरामद क्यों नहीं हुआ, अंदर से कैसे फ़ोन करके बाहर गाड़ी मंगाएंगे, ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और निश्चित रूप से कुछ और पुलिस जेल कर्मियों पर गाज गिरेगी। जी बिल्कुल। तो